इंडिया की अपनी। हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शरी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज है 23rd of August 2022। देखते हैं आज हमें द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले। पर उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, इफ़ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो, गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। देखो, ऐसा कई बार कहा जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई परेशान कर रहा है या कोई आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा है या आपको डिग्रेड कर रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे आप इतने दूर चले जाओ कि उनकी आवाज़ तक आपको सुनाई ना दे। यानी कि इतनी ज़्यादा आप सक्सेस को हासिल कर लो, इतना ज़्यादा आप अपने गोल के पास चले जाओ कि उन लोगों की आवाज़ें आपके कान तक आई नहीं। तो लाइफ में हमेशा अपने साथ एक फ़िल्टर रखो, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ रहो, जो लोग आपको एनकरेज करें आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहन दें उनके साथ रहो, जो लोग नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं या जो लोग आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या आपकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनसे दूर रहो। दूर रहोगे तो ये है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। चलिए पेज नंबर 1 पर देखते हैं। टू सैलवेज अ वर्ल्ड कप, सुप्रीम कोर्ट सेंड्स बॉल बैक टू AIFF कोर्ट। देखो, इसको हम बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं कि फीफा ने एक तरीके से सस्पेंड कर दिया है AIFF को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, साइटिंग कि हमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है। अब देखो, थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन थी? कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म किया था जिससे वो AIFF का एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर सके। अब इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि सस्पेंशन मिल गया है हमें, तो रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को ये बोल दिया है कि जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम उनको टर्मिनेट कर रहे हैं, हम उनको हटा रहे हैं। एंड हम इसलिए कर रहे हैं जैसे कहीं ना कहीं हम ओवरकम हो सकें सस्पेंशन ऑफ फीफा से, क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड देखो, यही पूरा इसके ऊपर आया हुआ है। ऑल्सो देखो, हमारे लिए जो वर्ल्ड कप आने वाला है, वुमेंस का वर्ल्ड कप, अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको होस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ ऑफ हाई रेलेवेंस। एंड देयरफॉर आल्सो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम उनको टर्मिनेट कर देते हैं। रिसेंटली देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ की कहीं ना कहीं गुहार करी कि हमें क्या चाहिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए हमें भी 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को फॉर्म करना है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया स्टेटस को। स्टेटस को को मतलब ये है कि एक तरीके से उस पे स्टे लगा दिया कि आप इसको अभी मत देखो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही जो ओलंपिक्स में भी अब जैसे फीफा ने हमें सस्पेंड कर दिया है, तो हमें नहीं पता कि ओलंपिक्स में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, तो इसलिए इसके ऊपर स्टेटस को लगा दिया या इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है, ये बस ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को टर्मिनेट कर दिया है। एंड इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फीफा है वो बहुत जल्द हमारा जो सस्पेंशन है उसको कैंसिल कर देगा एंड AIFF फिर से कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। फीफा ने देखो ये चीज़ बार बार क्लियर कर दी है कि उनको एक इलेक्टेड बॉडी चाहिए, उनको अनइलेक्टेड बॉडी नहीं चाहिए, जैसे कि COA हमने फॉर्म कर दी, उसका इंटरफेरेंस उनको नहीं चाहिए। तो हम इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और भी ज़्यादा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था। अगला आर्टिकल देखो, IS मैन प्लॉटिंग अटैक ऑन इंडियन लीडर हेल्ड। देखो, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक अवेयरनेस के रूप में आपको पता होना चाहिए कि एक इस्लामिक स्टेट मेंबर फ्रॉम सेंट्रल एशिया को पकड़ा गया है एंड ही वाज गोइंग टू डू अ सुसाइड अटैक इन इंडिया एंड फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशिया ने कहीं ना कहीं इनको डिटेन किया, तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो देखो, ये आर्टिकल में एक चीज़ बताई गई है लास्ट में कि रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ टू द आउटपुट फ्रॉम इंडिया एंड देयर रेडिकलाइजेशन आर अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। हमारी जो यूथ है उनका रेडिकलाइजेशन या उनका कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी के ऊपर हार्म पहुंचाना या उनका गलत संगति में चला जाना, ठीक है, ये जो है ये हमारी कंट्री के लिए घातक हो सकता है, इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है, एंड नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारे खड़ा हो सकता है। अगला आर्टिकल देखिए, महाराष्ट्र असेंबली पासेस अमेंडेड एक्ट ऑन सिविक बॉडीज। महाराष्ट्र की जो असेंबली है, मंडे को उन्होंने पास किया महाराष्ट्र म्यूनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एक्ट 1965 का अमेंडमेंट, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये चेंज आया है कि जो हेड होंगे नगर परिषद के एंड पंचायत्स के, दे विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स, यानी कि ये है कि जो वोटर्स होंगे वो इनको वोट करेंगे एंड डायरेक्टली उनकी नियुक्ति होगी। पहले क्या था, पहले ये था कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कहीं ना कहीं चुनते थे कि कौन हेड बनने वाला है नगर परिषद का या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है। अब देखो ये एक रीजनल न्यूज़ है, रीजनल न्यूज़ वैसे तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, अब हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, तो उसी को हम डिस्कशन में लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इसको और भी देखें तो यहाँ पर जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है, एससी एसटी जो कम्युनिटी है उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। एंड इससे कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस रखती है, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को लेकर आती है एंड ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का, यानी कि उन जगहों का जहाँ पर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल। अब देखो 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 73rd पंचायत की बात करता है, 74th म्यूनिसिपल एरियाज़ की बात करता है। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमें दीज काइंड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो आती हुई नज़र आएँ। अब देखो इंडिया की अगर हम बात करें, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, सिटी कॉरपोरेशन एंड सो ऑन आर सम ऑफ द अदर नेम्स ऑफ इट, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में हमें अलग अलग नामों से ये देखने को मिलता है, ये लोकल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। अब देखो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं दे आर एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इनका फॉर्म होता है, यानी कि स्टेट में ये एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू आती हैं एंड यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें क्योंकि पार्लियामेंट का उनके ऊपर होल्ड होता है तो यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये आती है एंड ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है कि दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी टैक्स दे कहीं ना कहीं टेक, ठीक है, जो रेवेन्यू उनका प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू आता है उस पर कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट होती हैं। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें वो मद्रास में 1988 में बनी थी, फॉलोड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन बॉम्बे कैलकटा 1726, ठीक है। यहाँ पर 1688 है, यहाँ पर है 1726। अब देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, क्लॉज 23(4) के प्रोवाइड करता है कि इन एवरी स्टेट हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट का एक तरीके से इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसको ज़्यादातर हम म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं एंड ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है नगर पंचायत जो कि ट्रांजिशनल एरिया के लिए आता है या फिर एक एरिया जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है रूरल से अर्बन के बीच में, तो वहाँ पर हमें नगर पंचायत देखने को मिलती है। फिर होता है म्यूनिसिपल काउंसिल जो कि स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए होता है एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि लार्जर अर्बन एरियाज़ के लिए होता है। अब आर्टिकल 243Q ऑब्लिगेटरी कर देता है कहीं ना कहीं स्टेट के लिए कि वो इन यूनिट्स को फॉर्म करे एंड अगर एक ट्रांजिशनल एरिया है तो उसके लिए फॉर्म करे, स्मॉल एरिया है उसके लिए फॉर्म करे, लार्ज अर्बन एरिया है उसके लिए फॉर्म करे। अब देखो ट्रांजिशनल एरिया कौन सा होगा, स्मॉलर अर्बन एरिया कौन सा होगा या फिर लार्जर अर्बन एरिया कौन सा होगा, इसको कौन डिटरमाइन करता है, इसको गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट डिटरमाइन करता है एंड ये जो हैं दे आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग। अब देखो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो दे शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा ये है कि दे शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इट इज 21 ईयर्स, ठीक है, एंड हिज और हर नेम रजिस्टर होना चाहिए इलेक्टोरल रोल ऑफ द वार्ड में एंड वॉज नॉट अर्लियर डिसक्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि उनको पहले अगर डिसक्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया है तो वो मेंबरशिप नहीं ले सकते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है। दे शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन एंड दे शुड नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ एनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये है अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब देखो अगला आर्टिकल, फ्लड्स ओडिशा टू प्रोवाइड सैनिटरी पैड विद रिलीफ किट्स। देखो हमें पता है कि ओडिशा में स्थिति ठीक नहीं है,
बारिश ज़्यादा हुई है एंड उसकी वजह से हमें फ्लड लाइक कंडीशन देखने को मिली है एंड बहुत सारे लोग यहाँ से कहीं ना कहीं हमें और स्टेट्स में जाते हुए नज़र आए हैं या फिर रिलीफ मांगते हुए नज़र आए हैं। तो ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्लान किया है कि वो सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ऑल्सो जो रिलीफ किट है वो प्रोवाइड करेंगे वुमेन को एंड गर्ल्स को, क्योंकि उनके सैनिटाइजेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑल्सो हाइजीन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो होती है वुमेन की, उनको कहीं ना कहीं ठीक रखना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है जब फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। ऑल्सो देखो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे विलेज एरियाज़ भी हैं, तो विलेज एरिया में ऐसा है कि वुमेन आर नॉट अवेयर अबाउट द सैनिटरी नैपकिंस, ठीक है, तो वहाँ तक भी कोशिश करी जा रही है कि उनको अवेयर भी किया जा सके, ऑल्सो उनका यूजेज भी बताया जा सके। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे देश के अंदर वुमेन यूज़ क्लोथ्स, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द ब्लड, एंड देयर फोर द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू समवेयर एक्सटेंड द बेनिफिट टू द वुमेन एज वेल एज द गर्ल्स। तो ये आर्टिकल हमें इसी के रिगार्डिंग देखने को मिला। अगला आर्टिकल देखते हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू स्टॉप यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन मॉस्क। देखो कर्नाटका हाईकोर्ट ने मंडे को डिक्लाइन किया, एक हमें देखने को मिली थी, ठीक है, एक काइंड ऑफ पिटिशन थी कि क्या करो, ये जो अजान होती है, ठीक है, अ कॉल ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्रे होती है उसको कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर से उसको बंद करवा दो, क्योंकि वो क्या करता है, वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट गारंटेड टू द बिलीवर्स ऑफ अदर रिलीजियस फेथ। तो इसको कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर दिया है कर्नाटका हाईकोर्ट ने। अब देखो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 25 एंड 26 बहुत ज़्यादा हाई रेलेवेंस रखता है। सबसे पहले देखो आर्टिकल 25 के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 25 कहीं ना कहीं रिलीजियस टॉलरेशन को लेकर आता है एंड ये फंडामेंटल राइट है कि जो हर इंसान है उसके पास अधिकार है कि वो फ्रीली प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके, प्रोपगेट कर सके अपने खुद के रिलीजन को, एंड नॉट एब्सोल्यूट राइट। अब देखो ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यह ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर होने चाहिए, मोरालिटी होने चाहिए, हेल्थ एज वेल एज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। अब देखो आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 है रिगार्डिंग फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ये इसमें ये बोला गया है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन ऑफ इट के पास अधिकार है, राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पसेस, एंड ये एम्पावर करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि वो मैनेज कर सके अपने खुद के अफेयर्स को इन द मैटर ऑफ रिलीजन। एंड ये जो राइट है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो यहाँ पर ये चीज़ को साइड करते हुए बोला है हाईकोर्ट ने कि ठीक है ये कोई गलत प्रैक्टिस नहीं है एंड सबका अपना रिलीजन होता है एंड सबके रिलीजन को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है इसी के रिगार्डिंग था, हमारे लिए आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, जगन परस्यू स्पेशल स्टेटस विद पीएम। अब देखिए आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, वो मिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से इन न्यू दिल्ली एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई, बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में बातचीत हुई। पहले तो बात हुई ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, उसके बाद पोलावरम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बातचीत हुई एंड फिर उसके बाद बातचीत हुई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए जो मिस्टर रेड्डी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री जी को कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो हमको दे दिया जाए, जो कि हमें पहले अश्योर किया गया था। एंड इसके थ्रू क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें ग्रांट मिल जाएगा, टैक्स इंसेंटिव मिल जाएगा, ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइजेशन को मदद मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी मदद मिल जाएगी। अब देखो ये आर्टिकल से हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। जब हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन है जो कि सेंटर ने दिया है जिससे वो असिस्ट कर सकें डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट को, स्पेशली वो स्टेट को जो कि ज्योग्राफिकली कहीं ना कहीं पीछे हैं या फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं उनको है।
अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फिनेंस कमीशन के थ्रू आया था 1969 के अंदर। उन्होंने इसको रिकमेंड किया था कि आप जो भी स्टेट जो कि आपको ज्योग्राफिकली बैकवर्ड देखने को मिल रही है या ज्योग्राफिकली जिनका टेरेन अच्छा नहीं है या फिर सोशियो इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं आपको पीछे देखने को मिल रही है, आप उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देकर आप उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करो, जैसे कि आप उनको ग्रांट दे सको, आप उनको टैक्स इंसेंटिव दे सको। एंड इट वॉज बेस्ड ऑन गडगिल फार्मूला। ठीक है, अब देखो पैरामीटर्स ऑफ SCS क्या है, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी स्टेट को देना है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाएंगे। सबसे पहले तो हिली टेरेन, ठीक है, कि ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ कोई अगर पहाड़ों पे हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, ठीक है, हिली एरियाज हैं उस स्टेट के अंदर, वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है, तो हम उनको कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर सकते हैं हेल्प। लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो या फिर साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हो, ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा हो, या स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलॉन्ग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर होता हो, ठीक है, उन एरियाज से। एंड ऐसा भी हो सकता है कि बॉर्डर शेयर होने का मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं थ्रेट हो, खतरा हो, ठीक है, वहाँ पर सेंटर ये बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, ठीक है, इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा आगे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बेटर नहीं है, या नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, स्टेट फाइनेंसेस इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो स्टेट हैं वो अपना जो खर्चा है वो चला नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सेंटर देता है टू दी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। नाउ इसके रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है कि कोई भी प्रोविजन है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाएगा। आप सोचोगे अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये होगा ही होगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगला आर्टिकल देखते हैं, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी रीओपन्स। अब देखो यहाँ पर इस एक बर्ड सेंचुरी के बारे में बताया गया है जो कि हमें कर्नाटक के अंदर नियर मैसूरू देखने को मिलता है, एंड इसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था फ्लडिंग की वजह से, एंड अभी इसको फिर से ओपन कर दिया गया है। एंड ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर लोग बोटिंग करने आते हैं, एक काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। अब देखो इस बर्ड सेंचुरी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है ये हमें कर्नाटका के अंदर इन श्रीरंगपटना देखने को मिलता है, एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रामसार साइट रिसेंटली। अभी रिसेंटली ही इसको रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है, एंड इसके पास अब क्या है, इसके पास स्टेटस है एज अ वेटलैंड ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस। ये जो बर्ड सेंचुरी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक बर्ड सेंचुरी है, एंड इसको इसलिए पक्षी काशी भी कहा जाता है, एंड ये बहुत सारे यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आते हैं, बहुत सारे जो नेटिव बर्ड्स हैं यहाँ के वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो आप इसकी लोकेशन याद रखना, ये रहा कर्नाटका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड रंगनाथिट्टू। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल में आज पहला एडिटोरियल है द रोड टू चाइनाज 20th पार्टी कांग्रेस। देखो ये जो आर्टिकल है ये चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर है, हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी का अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें तो यूपीएससी वांट अस टू बी अवेयर ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। चाइना के अंदर क्या चल रहा है, नेपाल के अंदर क्या चल रहा है, म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट अबाउट बांग्लादेश, वी शुड एटलीस्ट हैव सम आइडिया, तो इसलिए हम इस आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो 20th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, पार्टी कांग्रेस है, ठीक है, वो शेड्यूल होने वाली है टू टेक प्लेस लेटर दिस ईयर, एंड यहाँ पर यही बात करी जा रही है कि इसमें होगा क्या इस पार्टी के अंदर। अब ये जो होगी, ये जो प्रॉपर कांग्रेस होगी, यहाँ पर हमें पता चलेगा इसके थ्रू कि जो जी जिनपिंग है उनका कितना ज़्यादा टाइट कंट्रोल है ओवर बोथ द पार्टी एंड द स्टेट एपरेटस, ठीक है, कि यहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। हमें पता है चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रजीम है, इनकी जो पार्टी है जी जिनपिंग की, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सिंगल पार्टी के रूप में ऊपर उभरती हुई नज़र आएगी। अब ये जो 20th पार्टी कांग्रेस होगी ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है इसलिए भी क्योंकि चाइना ने इस साल बहुत कुछ देखा है, चाइना ने देखा है पैंडेमिक, ठीक है, चाइना ने और भी ज़्यादा कंडीशन अपनी देखी है अलग होती हुई। एक समय पर था चाइना को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट हब माना जा रहा था, ठीक है, अब क्या है एकदम से हमें देखने को मिला कि थोड़ी सी
उनका जो इकनॉमी है वो थोड़ा सा नीचे चली गई, डाउन टर्न चली गई, ठीक है, सिग्निफिकेंट हमें इकनॉमिक डाउन टर्न देखने को मिला. एंड द इकनॉमी अभी भी खैर बेहतर है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं चल रही है, बट पहले के कंपेयर में थोड़ा सा पीछे आ गई, थोड़ा सा डाउन टर्न हो गई. ऑल्सो देखो हमें देखने को मिला कि चाइना के अंदर रिपीटेडली बहुत सारे लॉकडाउंस लगे COVID-19 की वजह से, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब्ड हुई हैं. अब देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही है कि होगा क्या, कुछ होगा कुछ नहीं, जी जिनपिंग जो है फॉर द थर्ड टाइम हमें आते हुए नजर आएंगे. एंड यहाँ पर ये बोला गया कि चाइनीज़ जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उनका जो थॉट है वो ये चल रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो डिसफंक्शनल हो गई है, अब उनका कोई भी काम नहीं रहा है ग्लोबल पीस को कहीं ना कहीं मेंटेन करने के रिगार्डिंग, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी, ये सब जो चीज़ें हैं इनको हमें खुद से देखना होगा. ये चाइना का पर्टिकुलरली अभी थॉट है. चाइना की अभी अगर हम देखें $15 trillion की इकनॉमी है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, रैपिडली कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहा है, स्टेट भी उनकी आगे एडवांस हो रही है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चाइना की जो सुप्रीमेसी है उसको दर्शाता है. एंड डिस्पाइट गेटिंग अ डाउन टर्न स्टिल चाइना इज़ मूविंग अहेड वेरी नाइसली. अब देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि चाइना रिसेंटली दो इनिशिएटिव लेकर आया था. पहला था द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दूसरा था ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव. दोनों की यहाँ पर बातचीत करी गई है कि बहुत एम्बिगुअस वे में ये लेकर आ गए, कोई भी ऐसी सर्टेनिटी नहीं है या कोई भी विजन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस बोल बच्चन करके इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं पर इसके पीछे का कोई थॉट नहीं है. अब देखो जैसे कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें देखने को मिल रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रिगार्डिंग कितना ज़्यादा चाइना आगे है, एस्पिरेशनल है. एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है अक्रॉस द ग्लोब इन वेरियस कंट्रीज सच एज श्रीलंका, सच एज नेपाल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब यहाँ पर ये बोला गया पर अगर हम GDI की बात करें तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, पता ही नहीं है कि ये कैसे जाने वाला है, बस ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर रहा है चाइना की विजडम को कि चाइना भी बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें कर सकता है. अब देखो जी जिनपिंग का जो थॉट है ना वो इस समय सेल्फ रिलायंस के ऊपर चल रहा है. सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली अपने आप को डिस्टेंस कर देगा उन कंट्री से जिसको, जो कि कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट हैं या फिर इनको इनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि US हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, ठीक है. इसलिए चाइना अब चाह रहा है कि वो सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े या फिर सिंगुलैरिटी अप्रोच को कहीं ना कहीं लेकर आए. अब यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि द शेप ऑफ 20th पार्टी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेड है. हमें पता है कि जो जी जिनपिंग है वो फिर से आने वाले हैं. अब देखो ये यहाँ पर ये बोला गया कि जी जिनपिंग की जो नाम है वो तो देखो हिस्ट्री में दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि बहुत हमें सालों से देखने को मिल रहे हैं कि ये वहाँ पर हैं, चाइना में हैं, इनका कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा है, इनके कार्यकाल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए गए. पर देखना ये होगा कि क्या माओ ज़ेडोंग के करीब ये जा पाएंगे या फिर उनके इक्विवेलेंट इनको रखा जाएगा. तो यहाँ पर इसी आर्टिकल में यही चीज़ें बोली गई. चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं. ये आप देख सकते हैं खूबसूरत से हमारे माउंटेन्स, ऊपर आप देख सकते हैं कि बारिश जैसा माहौल बन रहा है. तो ये आर्टिकल इसी के ही रिगार्डिंग है, फैक्टरिंग इन द रिस्क. ये जो आर्टिकल है ये बोल रहा है कि देखो मॉनसून रेनफॉल जो है इंडिया के अंदर हमें 8% ज़्यादा देखने को मिल रही है जितना कि नॉर्मल हमें मॉनसून देखने को मिलता था या फिर बारिश का जो माहौल होता है, ठीक है, वो देखने को मिलता था. अभी हो क्या गया है, इसकी वजह से बहुत सारी जगह, ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर को फ़ायदा भी हुआ है, पर बहुत सारी जगह एग्रीकल्चर को फ़ायदा नहीं हुआ है. फ्लडिंग हो गई है, डाउनपोर इतना ज़्यादा हो गया है, एंड डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिले. अब देखो डेथ, डैमेज, ये तो हमें देखने को मिला ही है. उत्तराखंड में आप देख लो, हिमाचल प्रदेश में आप देख लो क्या हो रहा है कि ये फ्लडिंग हो रही है एंड इतने ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. तो डेथ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी तो हमें देखने को मिल ही रहा है, पर कुछ सेकेंडरी भी चीज़ें हैं, कुछ सेकेंडरी भी इम्पैक्ट हैं जो कि लॉन्ग टर्म हमें देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जांपल स्कूल एंड ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो एकदम से डिस्टर्ब्ड हो जाना, ठीक है, बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे. फिर उसके बाद कैटल एंड सैपलिंग जो हैं दे आर लेफ्ट टू पेरिश, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है कि बहुत सारी जगहें, ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़्यादा पानी की वजह से सड़ गई हैं, स्पेशली वो क्रॉप्स जो कि इतने ज़्यादा वाटर इंटेंसिव नहीं होते, अगर उन्हें आप ज़्यादा पानी दोगे तो वो सड़ जाएंगे. तो ये हुआ है. फिर उसके बाद लाइवलीहुड कहीं ना कहीं लोगों की डिस्टर्ब्ड हुई है, फैमिली फाइनेंसेस भी डिस्टर्ब्ड हुआ है, इतना ज़्यादा लोगों का पैसा जो है वो बर्बाद हो गया है, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि स्टेट का जो एक्सचेकर है उस पर भी इसका इम्पैक्ट होगा. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इतना ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से हमें सेकेंडरी भी बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिले हैं.
मॉनसून रेन पैटर्न आर बीइंग डिस्टर्बेड लीडिंग टू राइज इन क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, अगर हम माउंटेन एरियाज की बात करें तो यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गई है ओरोजेनिक रीजंस की वजह से। ओरोजेनिक का मतलब यह जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाँ बारिश हो गई, ठीक है, जब मॉइस्चर ऊपर जाता है, इस साइड नहीं होता, इस साइड सूखा रहता है, इस साइड यहाँ पर बारिश डाउन पोर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि इसकी वजह से हाई एनर्जी साइक्लोन्स भी कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉट लाइक कंडीशन भी आ सकती है। अब इसके रिगार्डिंग जो सरकार है वो इम्प्रूव करने की बात कर रही है अपनी अर्ली वार्निंग फोरकास्ट को, जिससे पहले ही पता चल जाए कि हाँ ऐसा कुछ सिचुएशन आने वाली है, बारिश आगे आने वाली है या फिर फ्लड लाइक कंडीशन फॉर्म होने वाली है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको फोर्टनाइटली यानी कि ठीक है 14 दिन में, वीकली यानी कि 7 डेज में, इवन 3 आर्ली बेसिस पर वो क्या करती हैं, अपना जो वेदर है उसको फोरकास्ट करती हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, कहीं ना कहीं उन्हें पता चल पाएगा कि फ्लड लाइक कंडीशन फॉर्म हो रही है या लाइटनिंग कॉज हो सकती है, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये बेनिफिट करेगा। पर अभी क्या चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हम अर्ली वार्निंग फोरकास्ट को और भी ज़्यादा बेटर बना सकें और भी ज़्यादा एक्यूरेट बना सकें। ज़्यादातर क्या होता है कि अर्ली वार्निंग फोरकास्ट में कुछ और आता होता है, बाद में हमें पता चलता है कुछ और हो गया। ऑल्सो देखो एक और चीज़ है, इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट करना इन्वायरमेंट को, इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट करना एटमॉस्फेयर को, दैट इज़ नॉट समथिंग कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ हाईली एक्यूरेट हम हो सकते हैं, बट हाँ एक अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ इतना मॉइस्चर है, इतना हमें गर्मी देखने को मिल रही है, इतना टेम्परेचर है, तो हाँ ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र के रिगार्डिंग है, आंगनवाड़ी जो सिस्टम है उसके रिगार्डिंग है। एंड इस आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि आंगनवाड़ी सिस्टम को हमें और भी ज़्यादा बेटर करना होगा एंड और भी ज़्यादा हमें एक तरीके से पेरेंट साइड के बेसिस पर इसको चलाना होगा। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडिया ने कंप्लीट किए हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा जो आंगनवाड़ी सिस्टम है हम एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसको लेकर आए थे। एंड ये क्या करता है, 30 मिलियन चिल्ड्रन को जो कि 3 से 6 साल के बीच में हैं उनको कहीं ना कहीं स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्थ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। पर यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, बहुत सारी एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना होगा। अब देखो सबसे पहले आंगनवाड़ी समझो, आंगनवाड़ी क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट एंड यूटीज, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सर्व करता है रूरल चाइल्ड को एंड मटर्नल केयर सेंटर के रूप में कहीं ना कहीं हमें आता हुआ नज़र आता है। इसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1975 के अंदर एंड ये पार्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम का, जो कि लाया गया जिससे क्या कर सकें हम हंगर या भुखमरी होती है उसको हटा सकें या माल न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं हटा सकें। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो 6 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड रेफरल सर्विसेज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। एंड आंगनवाड़ी स्कीम जो है उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आधार का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको एज अ बेनिफिशरी माना जाएगा। अब देखो इस आर्टिकल के अंदर कहा गया कि यहाँ पर विद टाइम हमें पता है कि हाँ हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आंगनवाड़ी का पूरा सिस्टम आया था, पर अब हाई टाइम हो गया कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना होगा और भी ज़्यादा इसको इम्प्रूवाइज़ करना होगा अगर हमें हमारा जो आगे आने वाला डेमोग्राफिक डिविडेंड है या फिर यूथ जनरेशन है उसको हमें बेटर बनाना है। अभी क्या हो रहा है, हमें लो अटेंडेंस देखने को मिल रही है आंगनवाड़ी के अंदर बच्चों की, एंड इसलिए भी है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि जो आंगनवाड़ी है वो सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं है। अब देखो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बताया गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों आंगनवाड़ी एकदम से नहीं भेजते, इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई कम और ज़्यादा बेनिफिट जो हैं, ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड होंगी। एक तरीके से बेनिफिशरीज़ के रूप में यहाँ पर बच्चों को देखा जा रहा है, जहाँ पर उनको खाना मिलेगा, इम्यूनाइजेशन मिलेगा, ऑल्सो लास्ट में उन्हें लगता है कि हाँ एजुकेशन मिलेगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बोला गया है, एनरोलमेंट रेट फॉर प्राइमरी स्कूल रीचिंग ओवर 90% आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लिंक इन पेरेंट्स माइंड एंड एजुकेशन लीड्स टू अपॉर्चुनिटी फॉर अ बेटर लाइफ।
यहाँ पर ये बोला गया कि जो एनरोलमेंट रेट है प्राइमरी स्कूल के अंदर वो 90% हमें देखने को मिल रहा है या फिर ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सिंक हैं पेरेंट्स के माइंडसेट से, पेरेंट्स के थॉट से, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी भी जो 80% जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि जो बच्चा है उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए एंड मैथ्स की स्किल्स आने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हमारा जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा। आंगनवाड़ी सिस्टम दो अच्छे इंटेंशन से आया है पर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है पेरेंट्स की डिमांड को, यहाँ पर ये चीज़ कही है। अब देखो ECCE कैरिकुलम जो कि ज़्यादातर हमें आंगनवाड़ीज़ के थ्रू आता हुआ नज़र आता है, ये हमें देखने को मिलता है कि लोकल लैंग्वेज ड्रिवन है एंड प्ले बेस्ड यहाँ पर पेडोगॉजी है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं ठीक है प्ले के थ्रू एंड इन्जॉयमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाने की कोशिश करी जाती है। एंड ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी भी पेरेंट्स के साइक के साथ नहीं चल रहा है एंड उनको क्या करना होगा, आंगनवाड़ी सिस्टम को कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना होगा एंड इंग्लिश को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना होगा, मैथ्स को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना होगा कि बच्चों को इसके बारे में पता हो। एंड दे आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन, अब देखो क्या है पेरेंट जो हैं उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, आंगनवाड़ी सिस्टम में वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को नहीं देना डालना चाहते तो वो क्या करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट प्री स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को डाल देते हैं जहाँ पर उनको पता है कि हाँ बच्चे जो हैं उनकी प्रॉपर रिमोट लर्निंग होगी, ठीक है दो अनइंजॉयबल हो ठीक है जॉयलेस हो बट फिर भी वहाँ पर रिमोट लर्निंग होगी, ठीक है कहीं ना कहीं उनके फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो आंगनवाड़ी को भी यहाँ पर उनके फाउंडेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए एंड अब हाई टाइम हो गया कि पेरेंट्स का जो थॉट है, जो थिंकिंग है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ बच्चों को इंग्लिश से भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करो, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं कम से कम वो रिकॉग्नाइज कर पाएँ अल्फाबेट्स को एंड नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर पाएँ, ठीक है ये चीज़ ज़रूरी है। एंड अर्ली एज में कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज से वो रूबरी हो जाएं, ठीक है उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, ये चीज़ ज़रूरी है तो इसके ऊपर ध्यान देना होगा। अब देखो आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या क्या कर सकते हैं विद टाइम, यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है, कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हो आंगनवाड़ी से रिगार्डिंग तो आप इन स्टेप्स को लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को एक रेगुलर डेली शेड्यूल कहीं ना कहीं अपना बनाना होगा जिसके अंदर पढ़ाई भी हो जो कि टीचर लेड हो, ऑल्सो फ्री प्ले भी हो एंड ऑल्सो बच्चे की कॉग्निटिव थिंकिंग जो है उसको बढ़ाने की बात करी जाए, न्यूमरेसी स्किल्स को बढ़ाने की बात करी जाए। उसके बाद देखो शिक्षा चौपाल्स को लेकर आओ, शिक्षा चौपाल का मतलब ये है पेरेंट एंड टीचर की जो मीटिंग है वो रेगुलरली होनी चाहिए जिससे बच्चों का जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं देखा जा सके एंड ट्रस्ट जो है पेरेंट्स का इस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो कहीं ना कहीं बढ़ सके। अब देखो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की भी पेरेंट्स टीचिंग होती है, पेरेंट टीचिंग मीटिंग होती है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे ही आप आंगनवाड़ी के लिए भी लेकर आओ, फिर रेगुलर मैसेजेस कहीं ना कहीं शेयर करो पेरेंट्स के साथ जिससे उन्हें लगे कि हाँ हमारा कुछ ना कुछ लिंक है, ठीक है हमें हमारे बच्चा जहाँ भी जा रहा है हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं सही से है, ठीक है उसका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, वो पढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये बोला गया कि अगर पेरेंट्स की अगर थॉट एंड माइंडसेट से हमें आगे चलना होगा तो हमें जो ECCE का जो कैरिकुला है उसके अंदर चेंज लाना होगा, अमेंडमेंट लाना होगा, ज़्यादा उसे सफिशिएंट बनाना होगा, ठीक है। ऑल्सो देखो विद टाइम हमें देखने को मिला है कि चेंजेस आते हैं, जैसे कि पहले जो माइंडसेट था वो था स्कूल चले हम, अभी क्या है स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन पे कहीं ना कहीं हम शिफ्ट हो गए, तो अगर हम चाहें तो हम जो है अपना कहीं ना कहीं एक चेंज लेकर आ सकते हैं, एक माइंडसेट का चेंज लेकर आ सकते हैं। अब देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिसेंटली आज़ादी का अमृत महोत्सव पे कहा था जन भागीदारी के बारे में। जन भागीदारी का क्या मतलब है, पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, कि हम लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा बेहतर बनने के लिए जिससे हम एक्टिवेट कर सकें इंडिया 2.0 को। अब देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ECCE का जो इकोसिस्टम है अगर हमें उसको आगे बढ़ाना है एंड हमें एम्ब्रेस करना होगा इसके रिगार्डिंग अभिभावक भागीदारी। अभिभावक भागीदारी का मतलब ये है कि पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना होगा आंगनवाड़ी 2.0 लाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है इसको कहीं ना कहीं आप कोट कर सकते हैं, जन भागीदारी अभिभावक भागीदारी, जन भागीदारी इंडिया 2.0 लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा। एंड इस आर्टिकल के कंक्लूजन में ये चीज़ बोली गई है कि आंगनवाड़ी सिस्टम को और भी ज़्यादा बेटर बनाना है तो अभिभावक भागीदारी के ऊपर ध्यान देना होगा या पेरेंट्स की भागीदारी के ऊपर ध्यान देना होगा, पार्टिसिपेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, तभी हम एक्टिवेट कर पाएंगे आंगनवाड़ी 2.0 को।
चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, अ सेंटर स्टेट स्क्रू फर्दर वाइडन। अब देखिए इस आर्टिकल, ये जो है ये बेसिकली डेटा पॉइंट के अंदर आया था, काफ़ी सिग्निफिकेंट एक आर्टिकल है। ये बता रहा है कि हमें स्टेट रेवेन्यूज़ में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिला है। एंड ये बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली जो जिनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, नीति आयोग की चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे ये चीज़ वेरियस चीफ मिनिस्टर्स ने रखी है कि हमें ज़्यादा कहीं ना कहीं टैक्सेस का पूल मिलना चाहिए या फिर डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस हमें ज़्यादा एक्सटेंड होना चाहिए, जीएसटी कंपनसेशन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। एंड ये बहुत सालों से हमें पता है बोन ऑफ कंटेंशन रहा है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट। यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टेट की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो पहले ही कहीं ना कहीं वर्स हो गई है, क्योंकि उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, फार्म लोन वेवर्स हो गया, ठीक है, इनकी वजह से स्लो डाउन हुआ है। फिर बहुत सारी स्टेट्स ने, हमें पता है, COVID-19 से रिलेटेड बहुत सारे इंटरवेंशंस लिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी। तो यहाँ पर हाई एक्सपेंसेस की हमें देखने को मिला है कि रिक्वायर्ड है हाई एक्सपेंसेस, एंड इसीलिए क्या है अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है। एंड इसलिए ये चीज़ बोली जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा हमें जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं उसका शेयर प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बातचीत कर रहा है। अब देखो कुछ यहाँ पर जो एक तरीके से ग्राफिकल वे में बताया गया है या फिर टैब वे टेबल वे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं। एंड यहाँ पे श्रिंकिंग स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, इसके बारे में बताया गया है। एंड फिनेंस कमीशन ने जो कहा था, ठीक है, जितना होना चाहिए डिवॉल्व वो इतना नहीं हो रहा है। अब देखो चार्ट वन, यहाँ पर चार्ट वन क्या दिखाता है, द चार्ट शोज कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट शेयर इन टोटल रिसोर्सेज रेस्ड एंड टोटल एक्सपेंडिचर बॉन्ड इन 2019, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीगेट रिसोर्सेज रेस, ठीक है, 62.7% बाय द सेंटर, 37.3% बाय द स्टेट। पर अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो मात्र 37.6% ऑफ द सेंटर एंड 62.4% ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप, हाँ, आप हमें ज़्यादा शेयर ऑफ टैक्सेस प्रोवाइड करो। आर्टिकल आप देखो चार्ट टू, देखो चार्ट टू बात कर रहा है कि स्टेट शेयर इन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस मैंडेटेड बाय द फाइनेंस कमीशन एंड एक्चुअल शेयर डिवॉल्व टू द स्टेट्स, ठीक है, कि एक्चुअल कितना बताया गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा एंड कितना अभी मिलता है स्टेट्स को, उसमें बता रहे हैं, ठीक है। अभी पहले क्या था, देखो पहले इतना था, अभी क्या है 41% है, पर फिर भी अभी देखो हमें देखने को मिलता है कि कम डिवोल्यूशन होता है, स्टेट्स को इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। चार्ट नंबर थ्री देखो, चार्ट शो करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शेयर ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इन 1 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर का शेयर इतना ऊपर है एंड स्टेट का शेयर आपको नीचे देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो ये वाला जो है ये बात कर रहा है शेयर ऑफ सेस हो गया या सरचार्ज हो गया, जो टैक्स ऑन टैक्स लगता है इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, कितना आता है उसकी यहाँ पर बातचीत करी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद टाइम ये इम्प्रूव ही किया है, विद टाइम ये बढ़ा ही है, ठीक है। तो सेंटर का कहीं ना कहीं सेस जो है, ठीक है, वो हमें उसके थ्रू जो रेवेन्यू आता है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही नज़र आया है। तो ये चार्ट के थ्रू इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। अगला देखते हैं आर्टिकल, ठीक है, दो छोटे छोटे से देख लेते हैं। पहला है केरला सवारी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस एज अ पब्लिक ऑप्शन। केरला ने स्टार्ट कर दिया है केरला सवारी, एंड इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जो ऑटो टैक्सी है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगी, पैसेंजर्स को इजीली मिल जाएगी एंड फेयर रिम्यूनरेशन होगा। एंड ऑटो टैक्सी वर्कर्स जो है, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर फंक्शनिंग के थ्रू रखा जाएगा। एंड ये मोटर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के थ्रू कहीं ना कहीं इन वर्क आएगा एंड हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ये बोला गया कि इसके थ्रू सेफ एंड रिलायबल ऑनलाइन सर्विस फॉर चिल्ड्रन, वुमेन, सीनियर सिटीजन कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। एंड इसके थ्रू हमें जो कम्यूट है वो और भी ज़्यादा बेटर एंड सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। तो बस देखो इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जो केरला है वो केरला सवारी लेकर आया है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसके बारे में ऐसा कुछ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, इसको हम बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं। ये भी देखो थोड़ा सा रीजनल न्यूज़ है। ऑन ऑल्सो अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे, हाईली पॉलिटिसाइज्ड हमें आर्टिकल देखने को मिलता है, सो इट इज़ नॉट ऑफ मच रेलेवेंस। पर आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में इस समय क्या चल रहा है।
दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। इसके थ्रू क्या हुआ है, इस एक्साइज पॉलिसी के थ्रू प्राइवेटली ओन जो प्लेयर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ये जो लिकर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आ गए। एंड ऑल प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड जो हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर लिकर वेंट्स की यहाँ पर बात करी जा रही है। एंड एक इंसान जो है दैट कैन होल्ड मोर देन वन लिकर रिटेल लाइसेंस एंड हैविली रेगुलेटेड एक्साइज रिजीम वॉज टू बी ईज्ड फॉर द बिजनेस। अब देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये वॉलेट भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो एमसीडी ने इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं इनको पकड़ा भी है, ठीक है, एंड सील किया है इन पर्टिकुलर जगहों को, इन शॉप्स को जहाँ पर नॉन कन्फॉर्मिंग हमें देखने को भी मिल रहे हैं ये एरियाज़ के रिगार्डिंग, या फिर कोई और वॉयलेट कर रहे हैं लॉ को, ठीक है। ये सब अभी इस समय दिल्ली के अंदर चल रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के रिगार्डिंग कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। ऑल्सो देखिए अगला आर्टिकल, टोमेटो फ्लू डिटेक्टेड अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया सेज लैंसेट। देखिए लैंसेट की बहुत दिनों बाद हमें कोई रिपोर्ट आती हुई नजर आई, तो लैंसेट ने बोला है कि जो टोमेटो फीवर है वो देश के अंदर आ गया है एंड हमें ये ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं यंगर देन 5 उनके अंदर ये देखने को मिल रहा है। दो अभी तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इतना नहीं दिख रहा है, बट नहीं पता, देखो अगर प्रॉपर क्योर नहीं हो पाता टाइम में तो कोई भी बीमारी चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो वो घातक हो सकती है। प्राइमरी सिम्टम्स इसके हैं जैसे कि चिकनगुनिया में देखने को मिलते हैं, हाई फीवर हो गया, रैशेस हो गया, इंटेंस पेन हो गया जॉइंट के अंदर, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एंड फटीग होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग, ठीक है, डायरिया जैसी सिचुएशन, डिहाइड्रेशन, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, बॉडी एक होता है, ठीक है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलते हैं। एंड कुछ हमें थोड़ा सा ये डेंगी जैसे सिम्टम्स जो होते हैं, ठीक है, वैसा भी ये देखने को मिलता है। एंड ये थोड़ा सा सिमिलर है चिकनगुनिया, डेंगी एंड हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ से, ये यहाँ पर कहा गया है। एंड ये कहीं ना कहीं जो है ये जो है द ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो सिमिलर, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर ही हमें ट्रीटमेंट देखने को मिलता है कि हॉट वाटर जो स्पॉन्ज है, ठीक है, वो इस्तेमाल करो जिससे रिलीफ मिल सके इरीटेशन के रिगार्डिंग, एंड सपोर्ट थेरेपी कहीं ना कहीं ले लो, पैरासीटामोल ले लो अगर फीवर हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि ये जो टोमेटो फ्लू है ये कॉज होता है बाय अ वायरस जिसका नाम है कॉकसैके, अब ठीक है, कॉकसैके A16, ठीक है, ये पूरा नाम है कॉकसैके वायरस A16 एंड ये बिलोंग करता है एंटरोवायरस फैमिली से। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज इज फ्रीक्वेंट वेब्राइल रैश इलनेस ऑफ चिल्ड्रन कॉज्ड बाय एंटरोवायरस, ठीक है, इसी वायरस से कहीं ना कहीं ये भी कॉज होता है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। एंड ये जो है पर्टिकुलरली कॉकसैके A16, ठीक है, ये जो है ये कहीं ना कहीं इसको कॉज कर रहा है, टोमेटो फ्लू को कॉज कर रहा है। अब देखो टोमेटो फ्लू के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, दो इस आर्टिकल के अंदर भी था बट एक बार और देख लेते हैं कि वायरल डिजीज़ हमें देखने को मिलती है, रेड रैशेस बॉडी के अंदर हो जाते हैं, स्किन इरीटेशन एंड डिहाइड्रेशन यहाँ पर हो जाती है। ज़्यादातर हमें केरला के छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पर ये इसके केसेस देखने को मिले हैं। ये जो फ्लू है इसको नाम मिला है, ये जो रेड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं या फिर छोटी छोटी जिनको आप कहते हैं दाने हो जाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। एंड अराउंड बहुत सारे बच्चे हमें देखने को मिले हैं कि इसकी वजह से इन्फेक्ट हो गए हैं। एंड देर इज़ नो कन्फर्मेशन कि ये जो है पर्टिकुलर फीवर ये आफ्टर इफेक्ट है चिकनगुनिया का या डेंगी फीवर का, बस ये है कि सिम्टम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें सेम देखने को मिल रहे हैं। सिम्टम जैसे कि हाई फीवर, रैशेस, स्किन इरिटेशन, हैंड एंड लेग स्किन कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, राइजिंग ब्लिस्टर्स या फिर जो दाने हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, ये सब चीज़ें। एंड जो चिल्ड्रन हैं छोटे एज के उनको एब्डोमिनल क्रैम्प भी हो सकते हैं, बॉडी एक, फटीग, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, ये सब भी कॉज हो सकता है। अब देखो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो चाइल्ड जिसके अंदर आपको ये सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं, सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उनको आप प्रॉपर ध्यान रखो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। एंड यहाँ पर हमें पता है कि अभी भी क्या है कि हाँ चलो फीवर हो गया, पैरासीटामोल ले लिया, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, पर फिर भी अगर ऐसा कुछ नया फ्लू है जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ज़्यादा बेटर है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, जिससे डॉक्टर प्रॉपरली आपको एडवाइस करे कि हाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये चीज़ें करो, ठीक है, ऐसे। एंड कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ा सकते हो ये तो डॉक्टर ही बताएगा ना। एंड ऑल्सो क्लीनलीनेस, हाइजीन, इन सब के ऊपर ध्यान दो। तो ये आर्टिकल टोमेटो फ्लू के रिगार्डिंग था। अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडिया ईरान साइन पैक टू एड मूवमेंट ऑफ सी फेयरर। अब देखिए इंडिया एंड ईरान जो है उन्होंने एक क्या किया है, एक साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स जो है, सी फेयरर का मतलब ये है कि वो लोग जो कि ज़्यादातर ओशन सीज, ठीक है, इन सब के थ्रू जो ट्रैवल करते हैं, उनके रिगार्डिंग ही यहाँ पर आर्टिकल आया है।
तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनके रिगार्डिंग ये बेसिकली ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये आया है जिससे जो सी फेरर्स है उनको मदद मिल सके, इजीली उनका कम्यूट हो सके, वो ट्रैवल कर सके, ये पूरा यहाँ पर ये बताया गया है। ऑल्सो देखो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप को फिर से खड़ा करने में, क्योंकि इंडिया एंड ईरान के जो रिलेशन है वो थोड़े से बिगड़ गए थे बीच में, क्योंकि यूएस जो है उसके साथ हमारी थोड़ी प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा बढ़ गई थी एंड यूएस एंड ईरान का जो टसल है वो तो चल ही रहा था। यूएस ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए थे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्सो देखो यहाँ पर चाबहार पोर्ट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बातचीत करी गई है कि चाबहार पोर्ट के थ्रू कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलेंगी। तो चाबहार पोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पोर्ट, ठीक है, ट्रेड मल्टीप्लायर के रूप में हम इसको कहीं ना कहीं देख सकते हैं। एंड ये क्या है, इकोनॉमिकली हमें बेटर करेगा, हमारे ट्रेड को और भी ज़्यादा फ्लरिश करेगा। एंड यहाँ पर ये बताया गया है कि चाबहार पोर्ट जो है, ठीक है, वो जो है वुड लीड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड शिपमेंट वॉल्यूम 2020 के अंदर। अब देखो लास्ट में ये एक और चीज़ बोली गई कि 2020 के अंदर इंडिया ने सप्लाई किया 75,000 टन ऑफ वीट को टू अफगानिस्तान एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ऑल्सो देखो 40,000 लीटर ऑफ मेल्थेनियन, ठीक है, एंड 96% ऑफ ULV पेस्टिसाइड हमने ईरान को दिया वाया चाबहार पोर्ट, ठीक है, तो चाबहार पोर्ट का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। एंड हमें देखने को मिलेगा कि चाबहार पोर्ट के थ्रू हम और भी ज़्यादा अपनी जो डेवलपमेंट्स हैं एंड और कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हमें देखने को मिलती हैं जैसे कि ईरान हो गया, उनके साथ हम ज़्यादा अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर फॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर देखो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर है चाबहार पोर्ट, ये रहा ईरान, ये रहा इंडिया, बीच में ये रहा पाकिस्तान, ये रहा हमारे लिए अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। चाइना इजेज वीज़ा बैन इन अ बूस्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स। तो चाइना ने क्या कर दिया, अपने जो वीज़ा का जो होता है, ठीक है, पूरा सिस्टम होता है उसको कहीं ना कहीं ईज कर दिया, उसको कहीं ना कहीं आसान कर दिया है, जिससे जो बच्चे हैं जो पहले चाइना के अंदर कहीं ना कहीं मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे उनको फ़ायदा हो जाए। बीच में क्या हुआ, पैंडमिक आ गया, उन्हें चाइना से एकदम से एब्रप्टली आना पड़ गया एंड अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ गया। अब 2 साल बाद हमें ये देखने को मिला है कि चाइना कह रहा है कि नहीं, वी आर वेलकमिंग यू, आप आ सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। अगला आर्टिकल देखिए छोटा सा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू बूस्ट टाइज ऑन एजुकेशन। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज़ को कहीं ना कहीं। ऑल्सो देखो दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्किंग को अपनी बेटर कर सकें, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को कहीं ना कहीं एक दूसरे की ऑब्जर्व कर एंड टू वे हमें मोबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्रांसनेशनल एजुकेशन को कहीं ना कहीं लाने की बात कर रहे हैं कि इधर से उधर, ठीक है, ट्रांसनेशनल कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन का फ्लो देखने को मिले। एंड ये एक तरीके का एडवांस टाई है जो कि बूस्ट करेगा एंगेजमेंट को, अगर हम एजुकेशन की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें या फिर रिसर्च प्रायोरिटीज़ की बात करें। अगला आर्टिकल देखो, इंडियाज़ ऑब्सेशन विद इंग्लिश इज़ लिमिटिंग डेवलपमेंट, सेड शाह। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो एक तरीके से हमारा जो प्रोग्रेस है वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। करीबन 95% ऑफ द कंट्री का जो टैलेंट है वो इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाता है। तो देखो ये बात सच भी है कहीं ना कहीं कि इंग्लिश अभी भी एक बैरियर है। इतने सारे हमें पता है कि रीजनल लैंग्वेजेस के लोग होते हैं या फिर हिंदी स्पीकिंग लोग होते हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपको इंग्लिश पता है तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। पर देखो एक और चीज़ है यहाँ पर कि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन एंड कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो इंग्लिश को की जो रेलेवेंस है उसको कहीं ना कहीं हम डिग्रेड नहीं कर सकते, वो हाईली रेलेवेंट है एज़ कम्पेयर टू द रीजनल लैंग्वेजेज या फिर हिंदी। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया। एंड जो प्रेजेंट सरकार है देखो बार बार ये चीज़ उन्होंने स्टेट करी है कि रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर आओ, हिंदी को और भी ज़्यादा आगे लेकर आओ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत थी। तो यहाँ पर बस इसी चीज़ को कहा गया है एंड ये बोला गया है कि जो इंग्लिश है कहीं ना कहीं उसको हमें जो ऑब्सेशन है उसको लिमिट करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे डेवलपमेंट को लिमिट कर रहा है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, एट UNSC मीट इंडिया कॉल्स ऑन कंट्रीज टू रिस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी। इंडिया ने रिसेंटली
जो यूएनएसए की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बोला है कि हर कंट्री को एक दूसरे की सोवरेनिटी का ख्याल रखना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का ख्याल रखना चाहिए, ऑल्सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए। अब देखो इतनी बात मैंने कही आपसे, अगर आप मेरे साथ द हिंदू हर दिन कवर कर रहे हो तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये किसको टारगेट करते हुए हमने कहा है। हमने चाइना हो गया या फिर रशिया हो गया उसको कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए हमने इसको पर्टिकुलरली कहा है। देखो रशिया भी नहीं, पर्टिकुलरली चाइना को टारगेट करते हुए हमने इस चीज़ को कहा है। दो चाइना एंड रशिया की जो प्रॉक्सिमिटी है उसको भी हम कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिला रिसेंटली यूएनएससी की मीट में। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक काउंसिल है जो कि यूएन चार्टर ऑफ 1945 के थ्रू आई थी। अब यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से? जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोसॉक है या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड सेक्रेटेरिएट है, एंड ये भी एक और है यूएनएससी। इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये सब हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये तो परमानेंट की बात कर ली, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका क्या है कि उनको इलेक्ट किया जाता है 2 साल के टर्म के लिए, एंड अभी हम यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अगला आर्टिकल देखो, जून टी जो आउटपुट है इट हैव ड्रॉप्ड 17% ऑन फ्लोर पेस्ट अटैक, ठीक है। तो इंडिया में हमें देखो ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि मंथली डेटा क्या क्या आ रहा है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि जो हमारी टी प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लड जो आ गई हैं उसकी वजह से पेस्ट अटैक हो जा रहे हैं, ठीक है, कीड़े लग जा रहे हैं उनके ऊपर, एंड हमें जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इफेक्ट होती हुई नज़र आएगी। ऑल्सो देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेकंड बिगेस्ट हम टी प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड के, तो ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ था 2021 में, हमें पता है टी का जो एक तरीके से एक्सपोर्ट है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया था, एंड उसके रीज़न ये थे कि यूएस ने सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर, फिर उसके बाद कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी या फिर लो कॉस्ट वेराइटीज़ कहीं ना कहीं मिल रही थी, ठीक है, एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन भी हमारे देश के अंदर थोड़ा सा बढ़ गया था, एंड उसके बाद पैंडमिक एकदम से आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखो टी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, चाय के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, हमारे देश के अंदर बहुत शौक से जो चाय है उसको ग्रो किया जाता है एंड ऑल्सो उसको पिया जाता है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेवरेज। एंड अगर हम इसकी बात करें तो इसका अगर हम देखें, ठीक है, टी ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड हमें नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है कि इसका होता है। अब देखो टी के रिगार्डिंग आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टी जो है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट है, एंड ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है हॉट या फिर ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 20-30 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस आर हार्मफुल। तो इसका नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 20-30 के बीच में कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर होता है तो इनकी ग्रोथ को फ़ायदा होता है। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 150-300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इनके लिए एनफ रहेगी। सॉइल की अगर हम बात करें तो द मोस्ट सूटेबल सॉइल इनके लिए पर्टिकुलरली है एसिडिक सॉइल, ठीक है, जो भी सॉइल हो एसिडिक सॉइल हो एंड विदाउट कैल्शियम हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा हमें पता है कि हाँ इनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। एंड पोरस होनी चाहिए, ठीक है, परमिट होना चाहिए सेल्फ परकुलेशन ऑफ वाटर का, कहीं ना कहीं फ्री परकुलेशन ऑफ वाटर का, कि धीरे से नीचे परकुलेट हो सके पानी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पोरस ही नहीं है या फिर पानी ऊपर ऊपर रह जाता है, पानी नीचे तक जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखो इंडिया एंड टी प्रोडक्शन अगर हम देखें तो हम लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर टी जो है वो ली जाती है, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम टी के। लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट है चाइना, ठीक है, चाइना के बाद हम हैं सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एंड 21 मई को कहीं ना कहीं देखा जाता है एज द इंटरनेशनल टी डे। तो टी के रिगार्डिंग आपको यही सब पता होना चाहिए। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये सारी खबरें थी, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, इजी लगा होगा। ऐसे ही आप मेरे साथ द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करते रहिए। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स को देखकर मिलती है हमें बहुत सारी मोटिवेशन। ऑल्सो ऐसे ही आप मेरे साथ द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करते रहिए। जिस भी ग्रुप के अंदर आप हैं वहाँ तक इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें।
चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।